हेलो एवरीवन नहीं भूले भाई मैम तुमको नहीं भूले अभी कॉम्बैट का पेपर इलेवन फोर्टी फाइव पे खत्म हुआ होगा इसीलिए जस्ट आई वांटेड टू गिव यू सम टाइम बहुत सारे बच्चे कॉम्बैट के लिए बैठते हैं एंड आई डोंट वांट कि किसी का भी सेशन मिस हो जाए ठीक है सो so, नहीं भूले मैम आप लोगों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वी स्टार्टेड अ लिटिल लेट बिकॉज 11:45 तक संडे को बेटा जब भी क्लास होगी एग्जैक्ट 11:30 हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे वी विल बी स्टार्टिंग एट 11:45 और 50 क्योंकि कॉम्बैट एग्जामिनेशन होता है और इसके बाद आपका दो बजे एक और स्कॉलरशिप एग्जाम है ठीक है so, तो आज दो स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं मेक श्योर आप उसके लिए बहुत अच्छे से यू नो प्रपेयर हो और

रिज्यूम कर रहे हैं हम तीन सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं आप प्लस पे उनके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं एंड उसके बाद लाइव क्लास में अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज बेटा पहली क्लास है फोटो की फोटो सिंथिस लेक्चर वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोटो सिंथिस अबाउट इन द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन you know, कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे हमें टाइम होता okay. so we'll है साढ़े ग्यारह बजे लेकिन संडे को इलेवन फोर्टी फाइव ओके ना इसके अलावा प्लस फाइव मीटिंग एट फाइव और आज आठ बजे जैसा मैंने आपको बताया था जो पोर्शन मैं यहाँ पे करा दूंगी उसी पोर्शन का हम आठ बजे एक क्लास रखेंगे एट पी की क्लास होगी जिसमें हम लोग एनसीआर रीडिंग करेंगे उसकी और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सो इज अ क्लास एट एट पी एम बेटा स्पेशल क्लास है स्पेशल क्लास है आप लोग सब ज्वाइन कर सकते हो ठीक है इट इज एप्सोल्यूटली फ्री लिंक थोड़ी देर में मैं यहीं पे लगा दे दूंगी या फिर टेलीग्राम आईडी में ऐड करा देंगे जो आपका आज की क्लास का स्पेशल क्लास का लिंक है ठीक है बेटा अगर आप नेक्स्ट तीन महीने की प्रिपरेशन मेरे साथ आ, के प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हो तो आप कोमा लाइव कोड यूज करके और ज्वाइन कर सकते हो ऐप चलिए बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड एनसीआरटी निकाल लीजिए नोट्स बनाने हैं तो इसलिए नोट्स भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए ठीक है गेट रेडी गेट रेडी क्विकली वीज टॉकिंग अवर फोटो सिंथेसिस ना फोटोसिंथेसिस नाम से क्या पता चल रहा है फोटो का मतलब हुआ बेटा लाइट है ना दिस मीन लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ ठीक है तो लाइट के प्रेजेंस में हम कुछ बनाने वाले हैं क्या बनाने वाले हैं सेल के अंदर काम हो रहा है सो इट्स मेटाबॉलिक पाथवे सेल के अंदर हो आप है ना बायोकेमिकल पाथवे हो गया इट्स बायोकेमिकल प्रोसेस ठीक है इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथिसाइज तो क्या बनाया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा रहा है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल किससे बनाओगे इन ऑर्गेनिक रॉ मटीरियल क्या है इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल वॉटर एंड वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट पिगमेंट सबसे ज्यादा फेमस वाली पिगमेंट तुमको पता ही है कौन सी है? क्लोरोफिल ठीक है क्लोरोफिल आ जाएगा एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व एज अ बाय प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन इवॉल्व करना इसका मेन टारगेट नहीं है ये बस साइड बाय साइड हो जाता है इससे ठीक है साइड बाय साइड हो जाता है इससे नाउ इफ यू वांट टू राइट इट डाउन इन पॉइंट्स मैं क्या करती हूँ इतना बड़ा स्टेटमेंट एक बारी में याद नहीं होगा तो हम इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं पहली बात तो ये समझो कि फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबोलिक प्रोसेस एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है हमारा मेटाबॉलिज्म दो वर्ड्स का बना है हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एनाबॉलिक मींस सिंथेसिस ऑफ समथिंग एंड कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग ठीक है यहां पे हमारा मेन क्या टारगेट है कि हम कुछ बनाएंगे तोड़ेंगे नहीं ठीक है सेकंड इट इज एन एंडरगोनिक रिएक्शन एंडरगोनिक रिएक्शन दैट मीन इट यूजेज एनर्जी क्या करता है ये एनर्जी ये यूज करता है इट ऑज गोइंग टू यूज एनर्जी पहले उस एनर्जी को क्या कर रहा है सोलर लाइट से केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और उसकेमिकल फॉर्म को यूज कर रहा है सिंथिस के लिए कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है वी हैव टू फॉर्म समथिंग टू वी नीड टू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एनर्जी ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना हाँ ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा चाहिए ही चाहिए होगा शाबाश शाबाश आवाज आ रही है? हम्म गुड यहां तक लिख लिया तो आगे चलेंगे अब क्या होता है हमारे पास ना एक इक्वेशन है पुरानी नई दो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द जनरल फोटोसिंथेसिस इक्वेशन दैट यू नो अबाउट ठीक है जो आपको पता है क्या पता है आपको आपको जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पता है वो कुछ ऐसी दिखती है सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वेल्व वाटर मॉलिक्यूल्स जब से पढ़ा है ये तो आप जानते ही हो लाइट कौन सा लाइट सनलाइट चाहिए आपको और क्लोरोफिल चाहिए ठीक है इससे बनेगा आपके पास सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दैट इज योर शुगर ग्लूकोज प्लस सिक्स ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और छ वाटर अब इस इक्वेशन के बारे में दो तीन बातें समझो पहली बात तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ये जो रिएक्शन हम आपको लिख के देते हैं फोटोसिंथेसिस की ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का समरी है दिस इज द समरी ऑफ द होल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ऐसे नहीं है छह कार्बन आएंगे बड़बड़बड़ हो गया नहीं फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स पाथवे है प्रोसेस है उसको हम समरी में लिखते हैं ऐसा कि भाई ये ये हमारे सबस्ट्रेंट हैं ये हमारा प्रोडक्ट है और किसके प्रेजेंस में बनेगा पहली चीज दूसरी चीज पहली बार में एक बार डिड्यूस भी नहीं हुआ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए टू टेल यू कि हाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है पानी यूज होता है ठीक है लाइट का क्या इंपोर्टेंस है क्लोरोफिल कहां पे है किधर इंपॉर्टेंस आ रहा है क्या बनता है कौन सा टाइप का शुगर बनता है ऑक्सीजन कहां से इवॉल्व होता है ऐसे करते करते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वी हैव मेड अ होल इक्वेशन समझे बात तो अब हम ये जानेंगे कि कैसे एक एक कॉम्पोनेंट इस इक्वेशन का डिस्कवर हुआ ठीक है कैसे कैसे एक एक कॉम्पोनेंट डिस्कवर हुआ सो विल स्टार्ट विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में ऊपर आप हेडिंग लिख सकते हो एक्सपेरिमेंट्स एकदम सारे एक एक पॉइंट के एक्सपेरिमेंट्स वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग क्लियर रेडी ओके ओके चलिए टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन फर्स्ट पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है इन्होंने एक पेड़ लिया इस पेड़ पे हमने एक पत्ते को इसके आसपास एक कंटेनर लगा दिया और इस कंटेनर में हमने कॉटन रखा दैट कॉटन वॉज डिप्ड इन के ओ एच पोटासियम हाइड्रोक्साइड में डिप था ये कॉटन ठीक है क्या था पोटासियम हाइड्रोक्साइड में डिप्ड कॉटन रखा इस कंटेनर के अंदर आधा पत्ता अंदर है आधा पत्ता बाहर KOH क्या करता है KOH absorbs all the carbon dioxide in the container. Carbon dioxide को यह कर देगा absorb. तो मतलब आपके पास उस कंटेनर के अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं है जब उधर तो कोई नामो निशान नहीं है तो अब ये वाला पार्ट इस पत्ते को मैंने निकाला बाहर We टेक दिस आउट ठीक है यह लीफ हमने बाहर निकाला और इस लीफ का हमने टेस्ट किया स्टार्च टेस्ट आप लोगों ने स्कूल में भी किया होगा स्टार्च टेस्ट ठीक है यह पार्ट जो अब अंदर की तरफ था यह पार्ट जो बाहर की तरफ था जो अंदर की तरफ था वो स्टार्च टेस्ट को पॉजिटिव आता है और आपको देता है एक ब्लू ब्लैक कलर यू रिमेंबर ये वाला पार्ट दैट वाज इनसाइड गिव्स यू पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट जो आप आयोडीन के साथ ट्रीट करके लाते थे ब्लू ब्लैक कलर आपको देता था उसके लिए बाहर जो रहा वो अरे सॉरी आउटसाइड आएगा जो बाहर रहा वो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट देगा और जो अंदर था कंटेनर के क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली तो इसलिए उसको शुगर नहीं बना पाया वो इसलिए ये वाला पार्ट हो जाएगा जो कंटेनर के अंदर था

sugar synthesis Boş sugar synthesis ठीक है ऊपर हाँ, चार्ट अगर आपको दिख रहा होगा तो आई हैव अ पर्टिकुलर लिंक ये लिंक आज रात आठ बजे की क्लास का है आप लोग आठ बजे मेरा सेशन अटेंड करेंगे जिसमें हम जितना पोर्शन अभी यहाँ पे थ्योरी कर लेंगे डिटेल में उसका रीडिंग होगा एनसीईआरटी का और फिर उस उसपे बेस्ड क्वेश्चन होंगे ठीक है चलो अब पहला एक्सपेरिमेंट तो ये हुआ सेकेंड एक्सपेरिमेंट सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम ले लेते हैं प्रिस्लिक प्रिस्लिक जोसफ प्रिस्टलिक जोसेफ प्रेसली का जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्वर्टेड बेलजार एक्सपेरिमेंट है काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था और काफी सिंपल ऑपरेटर्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बोला एक कांच का ग्लास ले लेते हैं कांच का बेलजार ले लेते हैं इसके अंदर हम रखेंगे एक जलती हुई कैंडल वी विल प्लेस अ बर्निंग कैंडल ठीक है इसके अंदर हमने रखा है कैंडल ये बर्निंग कैंडल नहीं दिख रही है किसी को क्योंकि ऑरेंज <laughs> कलर ही नहीं दिख रहा है चलो ये बर्निंग कैंडल थोड़ी देर में बुझ जाएगी हम्म थोड़ी देर बाद इट इज गोइंग टू डिस्टिंगविश लाओ जी आफ्टर सम टाइम स्टॉप्स बर्निंग और इसका हो गया टाटा बाय बाय आजा बेटा हे ला ला। ये बुझ गया ठीक है दूसरा इन्होंने बोला चलो कैंडल तो बुझ गई अब एक काम करते हैं चूहा रख देते हैं अंदर लेट्स कीप अ लिविंग माइस इनसाइड ठीक है उन्होंने बोला चूहा रखो अंदर राइट right, ये चूहा रखा द चूहा डाइज टाटा बाय बाय हो गया चूहे का ठीक चूहा ऑल्सो डाइज आफ्टर सम टाइम अब क्या किया जाए चूहे का कलर ऑरेंज भाई चलो कैसा नीला चूहा बना देते हैं चल बेटा नीला हो जा नीला चूहा है हमारे पास ठीक है हमारा नीला चूहा मर गया ठीक आफ्टर सम टाइम नाउ वी हैव द लास्ट कंडीशन एंड द लास्ट कंडीशन इज इसी ऑपरेटर्स के अंदर एक साथ, एक साथ तीनों चीजें रखी जाए तीन क्या चीजें हैं पहला तो है कैंडल एक जलता हुआ कैंडल वो जलता हुआ कैंडल अभी भी जल रहा है ठीक है हमारे पास है चूहा नेक्स्ट कैटेगरी इज वी अ माइस दैट माइस वॉज ऑल्सो लिविंग आफ्टर चूहा भी लिविंग है ऐसा क्या हो गया कि चूहा जिंदा और कैंडल भी नहीं बुझरा तो कुछ तो चेंज किया है हमने हमने ऑपरेटर्स में हमारा नीला चूहा भी जिंदा है यस yes, चूहा। What we have वी हैव डन इज वी हैव एडेड लास्ट ऐपरेटस एंड दैट इज plant। हमने एक मिंट प्लांट यहां रखा है और मैम मिंट प्लांट ही क्यों सिर्फ मिंट प्लांट से ही काम बनेगा क्या नहीं you can keep any plant which is herbaceous enough हरबेश वो apparatus के अंदर आ जाए ठीक है वो इस एपरेटस के अंदर आ जाए वो बैलजाल के अंदर आ जाए आप इसके अंदर बर्गर का पेड़ नहीं रख सकते ना तो छोटा और जो भी अवेलेबल होगा उन्होंने रख दिया सो ही कैप्ट मिंट प्लांट इसको रखने के बाद पूरे सिस्टम में चूहा भी जिंदा और लाइट आपका कैंडल भी बर्न कर रहा है और सस्टेनेबल सा सिस्टम बन जाता है अंदर ऐसा क्या हुआ वॉट एग्जैक्टली प्रेसली अंकल ने कहा हमें कि there is a foul air. एक गंदी एयर है फाउल एयर ले रहा है और जो कैंडल बर्न हो रहा है उसकी वजह से एक फाउल रहा है वो फाउल एयर क्या है वो हम जानते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वॉट इज दैट फाउल एयर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है वही पे ये फाउल एयर एब्सॉर्ब कर लेता है पेड़ और बदले में पेड़ हमें क्या दे देता है गुड एयर एंड वॉट इज दैट गुड एयर ओ टू समझे बात फाउल एयर रिलीज बाय बर्निंग ऑफ कैंडल एंड ब्रीदिंग ऑफ माइस उसको एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट और बदले में हमें दे रहा है गुड एयर एंड दैट गुड एयर इज नथिंग बट ऑक्सीजन क्लियर अच्छा एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाई प्रेस्लिट की हाँ देखो भाई ऐसे ऐसे हमारे पास कार्बन डाइ ऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या रिलेशन है ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी प्रेस्लिट को जाती है बट बाय डिफरेंट सेटअप बट डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन भी इज क्रेडिटेड टू जोसफ प्रेस्लिक ठीक है बेटा जी चले आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आराम से चलेंगे देर इज नो हरी इन इट वी विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ठीक है बहुत अच्छा चैप्टर है और मजा आएगा जैसे जैसे आगे जाएंगे हाँ अब देखो अगला पॉइंट लिख लिया बेटा मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट चलो अगला एक्सपेरिमेंट आया हमारे पास इंजन हाउस का हम्म hmm, थर्ड इंजिन हाउस इंजिन हाउस ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इंजन हाउस इंजन जैसा दिख रहा है इंजन लाइट सबको जैसा दिमाग में रखना ठीक है इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट था विद सेटअप एग्जैक्टली सेम सेटअप नहीं दिखा रही हूं मैं बट आपको समझाने के लिए दो कंडीशन इनका मेन टारगेट था कि लाइट वाला पैरामीटर लाइट में क्या इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट नहीं वो सारी कहानी ठीक है तो ही वॉज मेनली टारगेटिंग ऑन लाइट प्रेजेंस एंड तो इफ देर इज नो सनलाइट, अगर मैं इस सिस्टम को सनलाइट प्रोवाइड नहीं करती हूं और इस सिस्टम को मैं सनलाइट प्रोवाइड कर देती हूं ठीक है दो सेटअप बनाए हमने एक को हमने सनलाइट प्रोवाइड नहीं कराइए दूसरे को कराइए ठीक अब इस सेटअप के अंदर क्या है आई वाटर पानी है पूरा हमारे पास एक बार ट्राई कर रही हूँ मैं शायद ये काम करे शायद ये काम ना करे लेट मी जस्ट ट्राई ओके मैं इसे ग्रीन बनाऊंगी तो ग्रीन रहेगा लोगों को ग्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है ग्रीन ये वाला ग्रीन दिख रहा है ये भी नहीं दिख रहा है चलो नहीं बनाएंगे वी विल ड्रॉ नॉर्मल पेन से पानी ये लो ये पानी ठीक है बढ़िया है एक्वेटिक कंडीशन ले रहे हैं हम हाइड्रोफेटिक प्लांट ले रहे हैं हम पानी में रहता है कौन सा हाइड्रोफेटिक प्लांट लिया हमने हमने लिया है हाइड्रा सॉरी हाइड्रिला हाँ हाइड्रा आ जाता है दिमाग में हाइड्रिला हाइड्रिला हाइड्रोला प्लांट लिया पानी में डाला एक्वेटिक प्लांट नो प्रॉब्लम विद इट लाइट जिस सिस्टम को हमने प्रोवाइड नहीं करी वहां एज इट इज स्टिल रखा रह जाता है सारा लेकिन जिस को हमने लाइट प्रोवाइड करी, करी उसमें ग्रीन वाले रीजन के आसपास छोटे छोटे बबल्स दिखाई दिए वी सी स्मॉल बबल्स नियर द ग्रीन पार्ट ऑफ दिस हाइड्रोला प्लांट क्या थे ये ग्रीन तो इसके ऊपर एक फनल वगैरह लगा के एक बीकर में हमने उल्टा फनल लगाया और हमने कलेक्ट किया ये गैस ये गैस जो हमने कलेक्ट किया बाद में पता चला कुछ नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के सॉरी ऑक्सीजन के बबल्स है वी हैव बबल्स ऑफ ऑक्सीजन कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रीन रीजन ऑफ दिस प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो कंक्लूजन क्या निकाला कि ऑक्सीजन के रिलीज के लिए मुझे सनलाइट का प्रेजेंस चाहिए मुझे सनलाइट का प्रेजेंस चाहिए फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन तो सनलाइट इंपॉर्टेंट हो गया एंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट से पता चला सनलाइट इंपॉर्टेंट है सनलाइट इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है कार्बन तो अगर इस एक्सपेरिमेंटल इस इक्वेशन को आप देखो इसका काम हो चुका इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया लाइट का इंपॉर्टेंस पता चल गया ऑक्सीजन इज रिलीज पता चल गया ठीक है और एक तरीके से देखा जाए मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में इतना भी हमें पता चल गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होता है तभी मेरे पास शुगर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होता है तभी मेरे पास शुगर बनती है ठीक है किसका झोल रह रहा है लाइट के बारे में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट और है इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट उसके बारे में बताती हूँ क्लोरोफिल की बात बचती है ठीक है चलो तीसरा हो गया था टॉकिंग अबाउट द फोर्थ एक्सपेरिमेंट शाबाश फोर्थ एक्सपेरिमेंट फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हम ले लेते हैं वॉन साश जूलियस वॉन साश जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी बताया आपको हु डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स इफ यू रिमेंबर ये बड़ा मस्त खेल है होंगे बहुत सॉर्टेड है हवा में तीर नहीं मारते वो वाला काम कर गए

स्पेशलाइज्ड चेंबर है सेल में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है उसमें कुछ स्पेशल पिगमेंट्स हैं शायद जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं सो फ्रॉम हिज वर्ड्स वी केम आउट विद द कंक्लूजन कि ये जो स्पेशल चेम्बर है ना बेटा ये और कुछ नहीं क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट है एंड दी स्पेशल पिगमेंट्स आर नथिंग बट ये तो हम अब जानते हैं

मेरी तरफ तो क्लियर आ रही यार इज द स्क्रीन क्लियर यार ठीक है हमें ठीक है ओके ना नेक्स्ट फिफ्थ एक्सपेरिमेंट एंगलमेन्स एक्सपेरिमेंट बता दे चलो एंगलमैन एक्सपेरिमेंट समझो एंगलमेन्स एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ये अभी तक के जितने एक्सपेरिमेंट मैंने समझाए ना उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ध्यान देना ठीक है क्या कहता है एक्सपेरिमेंट एंगल में अंकल ने हमारे पास एक प्रिज्म लिया ठीक है और वाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया इनटू सेवन कलर्स hmm. इट विल स्प्लिट द सेवन कलर्स इन टू पूरा प्रॉपर विबग्योर है कि नहीं एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आपको दिख रहा है क्या किया गया उसमें व्हाइट लाइट को ले लिया व्हाइट लाइट को लिया और पूरा स्प्लिट कर दिया ठीक है कर लिया ड्रॉ थोड़ा और बेटर होता है क्योंकि अंदर घुसते टाइम ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा है ना <laughs> लेकिन मैंने थोड़ा और सिम्प्लीफाई कर दिया इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू स्प्लिट व्हेन इट एंटर्स इनसाइड। यहीं पे स्प्लिट कर जाना चाहिए था इधर ही हो जाएगा बट हल्का सा बाईफकेट होगा अगर चाहो तो इसको भी करना चाहो तो कर सकते हो लेट्स थोड़े एंगल पे ले आते हैं बड़म 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 जैसा भी तुम्हारा फिजिक्स में तुम लोग जानते हो ठीक है स्प्लिट करता है इसको सेवन कलर्स में क्या है सेवन कलर्स हमारे पास विबग्योर वाला स्पेक्ट्रम बन जाएगा ठीक है सो वी गेट विबग्योर स्पेक्ट्रम योर ठीक है सामने रखा जैसे स्प्लिट होता है वो स्प्लिट लाइट जो है वो उन्होंने एक सिस्टम पे रखी वो सिस्टम में टेस्ट ट्यूब में हमारे पास था ग्रीन आलगा वी हैड ग्रीन आलगी किसी को पता है ग्रीन एलगा कौन सा था जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ ग्रीन आल् और उसके साथ साथ वी आल्सो हैड सम एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया तो क्रिसमस जैसा बन गया रेड व्हाइट एंड ग्रीन वी हैड सम एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन पसंद हो जिसको ऑक्सीजन पसंद है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो कर सकता है गुड सो द ग्रीन वी हैड वाज लिख लो भी क्लैडो फोरा इज द ग्रीन ग्रीन आल् जो उन्होंने इधर रखा उसके साथ उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया ठीक है जब हमने स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम को स्प्लिट करके लाइट इसके ऊपर डाली काफी देर रखा थोड़े टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ दो जगह पर ज्यादा है बाकी जगह पे भी ग्रोथ है ऐसा नहीं है कि बाकी जगह वो बैक्टीरिया नहीं अवेलेबल क्योंकि ऑक्सीजन तो रहेगा इस आसपास पास सारी जगह लेकिन जहां जहां ऑक्सीजन बन रहा है वो वहां वहां पहुंच जाता है कहां पहुंच गया वो रेड स्पेक्ट्रम में कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है मुझे जहां पे रेड लाइट गिर रही है ना उस उसपे उधर कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हो चुकी है इस एरोबिक बैक्टीरिया की और ब्लू रीजन में कुछ ज्यादा ही ग्रोथ है वो लाइट आ रही है अवेलेबल देख रहे हो आप देख सकते हो इसको ठीक है अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सीजन तो मैम पूरे में है यहां पर इकट्ठा हो रहा है क्यों बिकॉज यहां ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है सो द एक्सपेरिमेंट केम आउट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वन इसने बोला कि पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम का पूरा लाइट पूरा व्हाइट लाइट इसको नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए यू नेसेसरली डू नॉट रिक्वायर कंप्लीट व्हाइट लाइट आपको जो मेन चाहिए वो चाहिए आपको ब्लू एंड रेड वेवलेंथ सो द कंक्लूजन केम आउट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट रेड एंड ब्लू वेव रेड एंड ब्लू वेव लेंथ ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज एंड ठीक है अब एक कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर किसी ने बोला कि चलो जाओ ये पेपर कलेक्ट कर लो तो वो पीछे बैठते है आराम से आखिरी में बोले आ जाएगा पेपर नहीं आएगा तो आखिरी में ले आएंगे जाते जिंदगी एकदम संतुष्टि हो है ना मैम ने बोला ये असाइनमेंट है सबका आ गया है टेस्ट नोटबुक है चलो टेस्ट नोटबुक चेक होके गए यहाँ रखिए वो बैठे आराम से कि ये जाएंगी पूरी भीड़ जाएगी वहाँ पे एक दो यार पास कर ही देंगे राहुल तेरी नोटबुक है ना श्रेया तेरी नोटबुक आ जाएगी नोटबुक मेरे तक ठीक है तो कुछ ऐसे हैं जो एक पीछे बैठे हैं ऑक्सीजन आ जाएगी मेरे पास वो जानते हैं ठीक है बेटा आके चेक करा लो रवि तुम्हें ब्लर दिख रहा है हाँ जी ठीक <laughs> है चलो तो यहाँ पे वो पीछे बैठे हुए कौन है बैक्टीरिया तो पूरे में मिलेगा आपको ऐसा नहीं है कि बाकी सब जगह से बैक्टीरिया चला जाएगा लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो भाग के जाएंगे जहां पे आपके टेस्ट नोटबुक है कितने नंबर आए है? है ना भाग के जाएंगे ऑक्सीजन के पास तो दैट मीन्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन है ना एयर के पास मूव करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ये एरोबिक बैक्टीरिया तो इसलिए बोला क्योंकि ये ऑक्सीजन को यूज करता है इट इज यूजिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन है ना रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज कर रहा है इसलिए आप इसको एरोबिक बैक्टीरिया बोल रहे हो लेकिन आप इसके लिए एक टर्म और सुन सकते हो कहीं नोट वोट्स में या किसी क्वेश्चन में बाय चांस आ जाए दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो एरो टैक्टिक एरोमीन्स टूअर्ज दी एयर टाक्टिक का मतलब होता है लोकोमोशन ये ऑक्सीजन की तरफ मूवमेंट दिखाता है ठीक है और ऑक्सीजन का रिलीज कहां ज्यादा है हमें क्या पता चला रेड और ब्लू वेवलेंथ में ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज है ठीक है इट शोज एरियोटैक्टिक मूवमेंट इट इज एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोइंग मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू वेवलेंथ इसका सिग्निफिकेंस इस चैप्टर में दोबारा आएगा मैं आगे फिर समझाऊंगी इसको ठीक है इसको एक और रिलेशन में हम समझेंगे एंड दैट रिलेशन इज एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मैं ये दोबारा समझाऊंगी तुमको चिंता नहीं ठीक है तो यहाँ क्या हुआ व्हाइट लाइट को आपने नॉर्मल लाइट व्हाइट लाइट को White light is split in seven और उसको डाला हमने ग्रीन क्लाडोफोरा पे ग्रीन बैक्टीरिया ग्रीन एलगा पे और एरो पे जिससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकल के आता है कि मैक्सिमम कार्बन मैक्सिम जम वाह मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज इज इन रेड एंड ब्लू वेव लेंथ एंड उस रिलीज की वजह से रीजन क्या है फोटोसिंथेसिस का रेट इज हाइयर इन ब्लू एंड रेड वेवलेंथ क्लियर हाँ जी बेटा ऊपर वाला बैक्टीरिया वो रेड वाला बैक्टीरिया तो एंगल्स एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ अब आ जाते एक और नए ट्विस्ट पे द लास्ट पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज़ वाटर की कहानी वेयर एग्जैक्टली वाटर इज यूज और क्या क्या वॉटर का काम हो रहा है सिक्स वैन नील वैनिल अंकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योर फोटो ऑटो ऑटोट्रोफ्स ठीक है फोटो लिथो फोटो लिथो ऑटो ऑटोट्रॉफ्स आर लाइट कैरिक मतलब जो लाइट यूज करते हैं और लिथो इसलिए आ जाता है क्योंकि वो सॉइल से या लैंड से कुछ चीजें उठा रहे हैं ठीक है यहाँ पे ज्यादातर सल्फर सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहता है यहां पे हम किसकी बात करते हैं सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर बैक्टीरिया अंकल बोले बहुत टाइम तक हमें इक्वेशन में क्या लगता था देखो हमें ओल्ड इक्वेशन क्या पता थी ओल्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज समथिंग लाइक दिस सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिक्स वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोजन रिलीज कर देगाबडी वॉज वेरी हैप्पी की वाह बेटा क्या लिखा है तू तो एकदम महान है ठीक है तेजा तो यार ये तो क्या होना दिया यार एकदम जीनियस है यार ये काम चल रहा था ठीक है वैनिल अंकल आके बोले दादाजी की तरह साइड में अंकल तो आगे बोले कि झोल लग रहा है कुछ और झोल ये लग रहा है कि मैं सल्फर बैक्टीरिया के साथ काम करता हूं ठीक है सल्फर बैक्टीरिया के साथ काम जब हम कर रहे हैं तो इट यूजेस एच टू एस गैस एंड ब्रेक्स इट इनटू सल्फर टू प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन ठीक है ये इसको ब्रेक करता है सल्फर में प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन में एंड हेंस रिलीज सल्फर एज गैस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है बाय बैक्टीरिया एंड दिस इज द गैस बोले बैक्टीरिया तो भाई एच टू एस से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेता है और सल्फर को रिलीज करता है तो जो गैस निकल रही है वो इधर से आ रही है एच से तो देख लो शायद तुम्हारा ऑक्सीजन शायद तुम्हारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं रिलीज हो रहा है पानी से हो रहा है क्योंकि उससे पहले तक तो हमें ये लगता था कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है क्यों ऐसा लगता था इट्स वेरी इजी टू थिंक लाइक दैट व्हाई इज इट इजी टू थिंक लाइक दैट गैस है एक कार्बन डाइऑक्साइड आया कार्बन हमने उसका रख लिया और इसका ऑक्सीजन हमने रिलीज कर दिया इट्स वेरी इजी टू थिंक कि एक गैस में से हमने गैस रिलीज कर दी बट ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है दैट ऑक्सीजन इज नॉट रिलीजिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इट इज रिलीजिंग फ्रॉम वॉटर पानी को तोड़ के ऑक्सीजन निकाला जा रहा है तो एक बार दिमाग में कोई कीड़ा कर गया बोले जब सल्फर के बैक्टीरिया में H2S को यूज करके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया जा रहा है और सल्फर को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज किया जा रहा है तो शायद यहां भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो अब इसका एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया सो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस एन एक्सपेरिमेंट वॉज डिजाइन बाय र्यूबन एंड कैमन रूबन एंड कैमिन ना र्यूबन एंड कैमिन ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया बाई यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन उन्होंने लिया ओ एटीन हेवियर आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इस हेवी आइसोटोप को यूज करा एकदम हेवी ड्राइवर है अपना है ना हेवी आइसोटोप को यूज किया और आपके लिए क्या बना दिया बेटा वाटर बना दिया विच कैरीजन कंटेनिंग वाटर बना दिया आपके लिए, ठीक है? राइट वेरी सॉर्टेड कुछ ज्यादा गड़बड़ तो है नहीं बिल्कुल बढ़िया काम अब ये वाला पानी हम पेड़ को देंगे गमले में पानी डालना है कौन सा चलो उधर ही बनाते हैं ताकि ज्यादा बड़े बड़े एरो बनाने पड़े ये लीजिए, ये आपका गमला है इस गमले में हमने ये वाला पानी डाला ठीक है तो हमारे पास जो पेड़ लगा हुआ था उसको ये वाला पानी मिल गया राइट इट इज टेकिंग वाटर विच वाटर विच इज हेवियर आई सू ऑफ ऑक्सीजन उसने वो वाला पानी लिया और अब यहां से जब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना तो वो ओ एटीन हो रही है इस ऑक्सीजन को कलेक्ट किया गया चेक किया तो आइसोटोप वाली ऑक्सीजन थी इसका मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है बेटा वो पानी से है वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑफ रिलीज ऑक्सीजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन को हम शुगर में ही ट्रैप कर ले रहे हैं सो so, इस पूरे इक्वेशन को रिवैम्प किया गया एक न्यू इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाई गई जो आप आज की डेट में जानते हो न्यू इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथिस एंड वॉट इज दैट दिस वॉज दी ओल्ड इक्वेशन जिसमें हमें यह लगा कि ऑक्सीजन जो है जो रिलीज हो रहा है एटमोसफेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है नहीं नाउ वी विल रीअरेंज दिस इक्वेशन सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वेल्व एच टू ओ क्यू ट्वेल्व एच टू ओ वाई ट्वेल्व एच टू ओ शुगर तो बनेगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सी सिक्स एच ठीक है लेकिन पानी में से अगर मुझे ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं है ना ओ टू निकालना है तो एक पानी से तो आधा ऑक्सीजन आता है एक पानी से आधा ऑक्सीजन आता है अगर मुझे रिएक्शन के एंड में टोटल छे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो हम कितने पानी लेंगे बेटा हाउ मेनी टू यूज ट्वेल्व क्योंकि ये पूरा का पूरा का इधर जाएगा। अब हमारी बैलेंस नहीं हो रही इक्वेशन मेरे पास यहां पे बारह वाटर मॉलिक्यूल है वी आर नॉट एबल टू बैलेंस द इक्वेशन तो हमने यहां पे प्रोडक्ट्स में दिखा दिया छे वाटर। आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पानी बनता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि बनता नहीं है देर इज ब्रेक डाउन ऑफ वॉटर ठीक है लेकिन इक्वेशन में आपको इधर ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद यहां पे छह वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा दिख रहे हैं दैट इज ओनली टू बैलेंस आउट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज अ समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ये सिर्फ आपने जो बात बोली उसको आपने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया समझे मेरी बात एक सिंगल इक्वेशन का तो वैसे भी नहीं है फोटोसिंथेसिस क्योंकि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन जो है वो लाइट रिएक्शन के टाइम पे होता है और शुगर का फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन के टाइम पे होता है टाइम का डिफरेंस है बहुत चीजों का डिफरेंस है दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ द रिएक्शन और उसको ठीक करने के लिए उसको बैलेंस्ड बनाने के लिए मैंने ट्वेल्व वाटर मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे लिए ऑक्सीजन को पूरा रिलीज करने के लिए तो इक्वेशन में बाद में छह वाटर मॉलिक्यूल्स को दोबारा भी बनाया जैसे फॉर एग्जाम्पल द कार्बन हियर वो डायरेक्टली हियर जो कार्बन यहाँ पे है वो सारा का सारा कार्बन शुगर में जाएगा अगला जो यहाँ पे ऑक्सीजन आया था ऑक्सीजन जो आया इसके साथ ये ऑक्सीजन आपके पास यहां आएगा बेटा और इधर दिखाओगे आप ठीक है अगला दिस ऑक्सीजन कंप्लीटली गोज आउट ये एच टू विल गो हियर एंड हियर ठीक है Is my point clear to Jaldi करके, इन्होंने ये क्लारीफाई कर दिया कि जो ऑक्सीजन रिलीज है इन द एटमोसफेयर इट इज फ्रॉम वॉटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड विच वॉज अर्लियर थॉट सो ठीक है बेटा जी रबाश, रबाश, रबाश। ये बात चलिए गुड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इट ठीक है आखिरी पार्ट पे हम चलते हैं और आखिरी पार्ट अपना क्या रह गया भाई क्या रह गया अपने पास फोटोसिंथेसिस तो सारा हो गया आई थिंक द होल इक्वेशन इज डन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दिया पानी हो गया शुगर हो गया ऑक्सीजन हो गया प्रेजेंस किसका चाहिए सनलाइट एंड सनलाइट एंड वाटर एंड क्लोरोफिल ठीक है वी नीड पिगमेंट योर ठीक है तो अब पिगमेंट की बात कर ली हमने लेट्स नाउ टॉक अबाउट वेयर एग्जैक्टली एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस वन नील एक्सपेरिमेंट हो गया ये हो गया बेटा तो आज प्लीज क्लास में आ जाना आठ बजे वाली में क्योंकि मैं फोटो की यहाँ तक ही रीडिंग कराऊंगी आई एम ऑल्सो गोइंग टू जस्ट राइट नाउ ड्रॉ अ क्लोरोप्लास्ट फॉर यू क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करते हैं काफी टाइम से आप लोग ड्रॉ कर ही रहे हो बट उससे रिलेटेड फंक्शनल स्ट्रक्चर दिखाते है ठीक है चलो यहाँ पे बना ले क्या आया बेटा हम्म साइट ऑफ फोटो साइट ऑफ फोटो ऑफ़ फोटोसिंथेसिस में हमारे पास आ जाता है क्लोरोप्लास्ट ठीक है अगर हम यू की बात करें प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वी हैव हैव क्लोरोप्लास्ट वी डू नॉट प्रॉपर ऐसा कोई क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर लेकिन हाँ हमारे पास बैक्टीरिया में देर आर स्पेशल स्टॉक जिनमें पिगमेंट भर जाता है कहलाते हैं क्रोमैटो फोर्स ठीक है जिस भी बच्चे ने प्रो कैरियोटिक सेल नहीं पढ़ा है मुझसे प्लीज सेल साइकिल सेल चैप्टर में एक बार स्टार्टिंग में प्रो कैरियोटिक सेल पढ़ लेना उसमें हमने क्रोमोप्लास्ट की बात क्रोमोफोर्स की बात करी है क्रोमैटो फोर विच इज एक लंबी सी डंडी क्रोमैटो फोर कलर्ड डंडी ठीक है क्रोमैटो फोर विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया बट प्लांट्स में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू तो बी क्लोरोप्लास्ट नाउ क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जैसे डिस्क जैसा होता है वैसे स्पेशली ग्रीन आल् में ग्रीन आल् में. में तो पागल हो गया क्लोरोफिल बोला कौन सा वाला कौन सा वाला कौन सा वाला डिस्क शेप ठीक है तो इसने आगे सारे प्लांट्स में डिस्क डिस्कॉड डिस्क या फेरिकल शेप आपका क्लोरोप्लास्ट कर दिया इसके बारे में ऊपर ऊपर के डायमेंशन की बात हमने सेल चैप्टर में की थी नवंबर में जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने यह भी बोला था इसके बारे में टेंशन मत लो, पूरा डिटेल एक है so, सबसे पहले आउटर वॉल दिस इज द मेम्ब्रेन में आउटर मेंब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिस इज द इनर मेमब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनर मेमब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ठीक है बेटा अब ये दोनों के इधर भी फ्लूड है इधर भी है दोनों जगह फ्लूड रहता है ठीक है अंदर वाले पार्ट में भी इस वाले रीजन में भी फ्लूड रहेगा और इधर वाले रीजन में भी फ्लूड रहेगा दो कंपार्टमेंट बन गए अब उस कंपार्टमेंट के अंदर भी एक कंपार्टमेंट है ऐसे स्टैक्स ऑफ मेमब्रेन रखे हुए हैं जिनको हम कहते हैं वी कॉल देम एज़ इड एक अकेला वन सिंगल इज थैलोकोइड ठीक है और जो पूरा stack है द होल कंप्लीट एक के ऊपर एक जो रखा हुआ है इसको हम कहते हैं ग्रैनम अब ग्रैनम सिंगुलर है ऐसे एक दो तीन डिफरेंट जब ग्रुप बन जाएंगे तो वो कहलाएंगे ग्रैना ठीक है हाँ याद है इसका इडली वाला और सांबर वगैरह वाला एग्जांपल दिया था ठीक है पराठे वाला एग्जांपल दिया था एक पराठा थालकोइड है ठीक एक पराठा दो तीन चार पांच छह सात आठ दस रख दिया आपने यू हैव टेन पराठा स्टैक एक के ऊपर एक तो ये पूरा जो स्टैक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपके पास ग्रैनम और एक पराठे का स्टैक फिर दूसरे दस फिर तीसरे दस ऐसे बहुत सारे हैं तो ग्रैनम ग्राना प्लूरल इज ग्राना ठीक है बढ़िया किस में डिप्ड है ये इस सॉल्यूशन में डिप्ड है व्हाट इज सॉल्यूशन कॉल्ड एज स्ट्रोमा इस स्ट्रोमा में आपको मस्त मस्त अपनी प्रोटीन मशीनरी मिलेगी विच इज सेवेंटी एस राइबोसोम्स, सेवेंटी एस राइबोजोम्स एंड इट्स ओन सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्क्यूलर डीएस डीएनए इट्स ओन सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्क्यूलर है डबल स्टैंडर्ड है डीएनए है अब दर इज नो हिस्टोन

कि शायद ये पुराने रहने वाले अकेले खाली अकेले बैक्टीरिया थे जिनको एक यू कैरियोटिक सेल ने खाया और फिर बोला कि चल अब तू सिम्बाइसिस में अंदर ही दे तेरे को मैं डाइजेस्ट करके चटकाएगा नहीं ठीक है बैठ और अब तू काम कर मेरे लिए फोटोसिंथोसिस करके दे उसके साथ साथ इट हैज सेंस इट हैज इट्स ओन ओन एंड सर्कुलर डबल डी डीएनए डीएनए है प्रोटीन मशीनरी है तो अपना आधा काम खुद कर लेंगे हो सकता है इनिशियली अपना सारा काम खुद करता हो क्योंकि अगर अकेला फ्री लिविंग था तो अपना सारा काम खुद ही करता था लेकिन नाउ सिंस इट इज सिंस इट इज बहुत टाइम से लिविंग विद यू कैरियोटिक सेल बहुत सालों से यू कैरियोटिक सेल के अंदर रह रहा है तो इसने बोला कि यार चल आप आधा आधा काम बांट ले तो आधा काम न्यूक्लियस करता है आधा ये करता है ठीक है फिर हम आ जाते हैं इंटरनल पार्ट में अब एक ग्रानम को दूसरा ग्रानम से जोड़ना दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लामिले स्ट्रोमा लामिले इज द थैलोकॉइड जो थोड़ा लंबा है एक लंबा थैलोकॉइड है जो इस वाले से इस वाले को कनेक्ट कर रहा है तो पराठे 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 एक लंबा सा नान रख दिया आपने बीच में पराठे 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 फिर एक लंबा सा नान रख दिया साइड में सो इट इज कनेक्टिंग वन ग्रानम अनदर ग्रैनम ठीक है अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप वो पराठों के स्टैक्स पे एकदम मस्त गर्मा गर्म, गर्म वाइट बटर रखो गरम गरम पराठों पे तो पिघलेगा जैसे वो मक्खन पिघलेगा वो ऊपर फैलेगा साइड में कॉर्नर्स में जाएगा और धीरे 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 नीचे प्लेट पे आ जाएगा तो मक्खन जो है वो सरफेस पे है कॉर्नर्स पे है और फिर नीचे है ये पूरा पार्ट कवर है भार बार वाला सिमिलरली ये जो थाकोइड है थेलोकॉइड के जो साइड साइड में स्ट्रोमा को टच कर रहा है उस पार्ट को हम कहते हैं अन अपरेज रीजन अन अप्रेज रीजन्स कौन से हैं दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रोमा और जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है जो यहां आ गए बीच बीच में फंस गए जहां पे बटर नहीं पहुंचेगा आपका दीज आर कॉल्ड एज अप्रेस्ड बेसिकली प्रेस्ड एंड अनप्रेस्ड ठीक है नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ स्ट्रोमा क्लियर कर लिया ड्रॉ ओहो जी रोहन जी आए हैं कह, कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में एटीएस राइबोसोम्स होते हैं बेटा जाने दे छोड़ कहा गलत लाइन किस लाइन में आ गए हैं आप ठीक है वी मूव टू पार्ट वेयर हमें बात करनी है फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट ठीक है तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में कोई पिगमेंट नहीं होती हाइलकॉइड की जो मेम्ब्रेन है है ना थाइड की जो मेम्ब्रेन है बेटा मैं थाइलक्वाइड को यहाँ बना रही हूँ आप लोगों ने जेम्स खाए होंगे है ना जेम्स जब आपने खाया तो आप जेम्स को बाइट करोगे अभी हाँ आप बाइट करते हो तो जेम्स में बाहर एक कलर वाला पार्ट होता है एक वाइट कलर की कोटिंग होती है यू हैव अ वाइट कलर कोटिंग और अंदर चॉकलेट भरा होता है उसमें है ना ऐसे जब आप पराठे खाते हो तो पराठे को आप बीच से काट दो एकदम ठीक है चक्कू से काटो तो आप एक ऊपर वाला लेयर उठा सकते हो अंदर एक कैविटी बन जाती है जहाँ आलू भरा होता है राइट right. तो ऊपर और नीचे जो पराठा है या जो व्हाइट वाला रिम है जेम्स का वो वाला पार्ट हो गया मेम्ब्रेन की थिकनेस ठीक है तो थैलाकॉइड जस्ट इमेजिन दैट हम लोग थैलाकॉइड ऐसा बना दें दिस इज द थिकनेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ये क्या बन गया बेटा ओ यार दिस इज द्वाइन में थालोकॉइन में ठीक है और ये मेम्ब्रेन के अंदर एक खाली गड्ढा सा है दिस इज द कैविटी एंड द कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमन तो मैं गोल 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 ऐसे मटर जैसे हैं लेकिन आप कट करोगे तो अंदर गड्ढा है ठीक है जैसे आपने वाइटामिन ई e की कैप्सूल्स देखी होंगी या इनफैक्ट कोई भी बी कॉम्प्लेक्स वगैरह की कैप्सूल आप खोल दो उसको तो गड्ढा मिलेगा आपको अंदर राइट दैट इज द कैविटी दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमन अब इसका बहुत इंपॉर्टेंस है लाइट रिएक्शन में तो जब मैं कल लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगी इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे बट लेट्स टॉक अबाउट दिस थालाकॉइड मेब्रेन दिस थाल मेमब्रेन हैज पिगमेंट्स डिपॉजिटेड इन इट इसमें मिलेंगे आपको पिगमेंट्स और उनकी बात मैं कर रही हूँ आगे उट देंट इन ऑन द ने कम्प्लीट कर लिया है तो जल्दी आ जाओ चलिएबल पिगमेंट्स के काफी रोल्स है आज में सिर्फ यही पे आपको इतना सा ही इन्फॉर्म करके छोड़ूंगी यही तक हम बात करेंगे वी विल रिवाइज पिगमेंट्स एंड गो फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास टुमॉरो पिगमेंट के ऑनवर्ड्स नाउ पेपर क्रोमाटोग्राफी या आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राम से हम ये पढ़ सकते हैं मेजरली पेपर क्रोमेटोग्राफी से ही पढ़ते हैं हम ठीक है पेपर क्रोमाटोग्राफी से हम अपने पत्ते का एकदम कचरा बन जाते हैं और फिर उसका एक छोटा सा ड्रॉप लगाते हैं और उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी में ले जाते हैं ठीक है पेपर क्रोमेटोग्राफी से जो हमारे पास क्रोमाटोग्राफ आता है उसमें अलग अलग पिगमेंट्स निकल के आते हैं क्या पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए बी कैटोफिन क्लोरोफिल ए विच इज़ द मेन पिगमेंट ये है हमारा मेन पिगमेंट कॉल इज इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर क्लोरोफिल बी थोड़ा मडी ग्रीन जैसे ऑलिव ग्रीन होता है ना थोड़ा सा गिदला गिदला ग्रीन ठीक है तो इट इज येलो ग्रीन या लिटिल ब्राउनिश ग्रीन थोड़ा मडी ग्रीन होता है फिर आता है रेडिश ऑरेंज कलर भी आप बोल सकते हो रेड कलर भी दिखता है यहाँ पे ठीक है कैरेटोनोइ में रेडिश ऑरेंज येलो रेडिश ऑरेंज कलर वेर एज इन यू गेट येलो ब्राउन का वेरिएशन मिलता है आपको ग्रीन येलो ग्रीन एंड प्रॉपर ब्लू ग्रीन जो हमारे पास है दैट इज क्लोरोफिल ए अब मेन पिगमेंट तो हो गई क्लोरोफिल ए दीज़ थ्री टूगेदर आर नथिंग बट कॉल्ड एज शील्ड क्या बोला हमने इनको शील्ड या फिर एक्सेसरी पिगमेंट्स ठीक है शील्ड पिगमेंट्स या फिर एक्सेसरी पिगमेंट्स क्यों? क्योंकि इनका मेन काम है क्लोरोफिल ए को बचाना टू प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए क्या अब इनका अरेंजमेंट कैसा होगा कैसे फैला रहेगा कैसे अरेंजमेंट होगा सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अरेजमेंट ऑफ पिगमेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास लेफ्ट साइड पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इन डिटेल्स ठीक है किस पार्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं पिगमेंट्स का अरेंजमेंट एंड वी विल स्टार्ट विद लाइट रिएक्शन टू मोरो इट सेल्फ सो टोरो इलेवन थर्टी ए एम वी विल मीट अगेन टू कंटिन्यू दिस पार्ट ऑफ फोटोसिंथोसिस आई एम एंडिंग इट योर वी विल बी कवरिंग

वो आप लीजिए प्लस में ज़्यादा इंटर एक्टिव सेशन ज्यादा डाउट क्लियरिंग कम डिस्ट्रैक्शन क्लास में जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है यहाँ नहीं होगा एंड यू वांट अगर आपको एक अलग से मेंटोर चाहिए टू हेल्प यू इन गाइडिंग एंड टेस्ट एनालिसिस टाइम टेबल वगैरह बना दे आपके लिए हफ्ते बाद दो हफ्ते में तो यू कैन गो फॉर आईकॉनिक एज वेल द कोड रिमेन सेम यू हैव टू यूज कोमन लाइव कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन टूडे और सो और कुछ कुछ ऑफर्स भी चलते रहते हैं तो यू कैन यूज कोमन लाइफ कोड एंड चेक इसके अलावा यू हैव दिस एग्जाम एट 2 पी एम आज ही पेपर है बेटा अगर आपको नहीं पता था आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे तो यू कैन यूज कोमन लाइफ कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका अच्छा स्कॉलरशिप एग्जाम है uh, काफी सारे टेस्ट uh, है 12th, 11th. हो जाएगा. आप इलेवंथ में हो ट्वेल्थ में हो चाहे आप ड्रॉपर हो द्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेक्शंस you एंड know, एक अच्छा सा प्रिपरेशन आपका बनता चला जाएगा तो ये दो बजे का पेपर है आज का ही ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट एंड यू कैन आस्क डाउट्स ऑन अनिमिटेडमीज लर्निंग एप एज वेल तो जल्दी से डाउनलोड कर लो एक स्कॉलरशिप एग्जाम सुबह ग्यारह बजे होता है तो कॉम्बैट विच इज एवरी संडे इलेवन एम ठीक है इसका फोर्टी फाइव मिनट्स का पेपर होता है बेटा ये जिसमें अट्ठाइस क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी एट क्वेश्चन आते हैं यू जस्ट हैव टू अपियर फॉर द एग्जाम एंड मेक श्योर दैट आप इसके लिए एनरोल जरूर कर दो सो ऑल द लिंक्स इंपॉर्टेंट लिंक्स आर ऑलरेडी गिवन इन दिन इन द डिस्क्रिप्शन और चार्ट पे जो ऊपर पिंड है वो आज रात आठ बजे की क्लास है जिसमें जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ाया है इसकी एन सी आर टी रीडिंग एंड बेस्ड क्वेश्चन वी विल बी डूइंग इन इन ए पी एम क्लास ठीक है सो so प्लीज जाइए और फटाफट फटाफट उसके लिए एनरोल कर लीजिए एक बच्चा पूछ रहा है फ्री पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बेटा सारे पीडीएफ फ्री हैं इट इज नॉट चार्ज्ड तो आप लोग प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप दैट आई एम टेलिंग यू उस पर मैं शेयर कर दूंगी अभी जस्ट क्लास के बाद थैंक यू सो मच आई थिंक आकांक्षा मैम की क्लास है तो आई एम गोइंग टू वैसे मेरा मन था डेढ़ बजे तक तो खींचने का आज की क्लास खत्म हो जाता है आज के टॉपिक्स लेकिन आकांक्षा मैम की क्लास है बजे सो so उनकी क्लास में जाना मत भूलना एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल आई विल सी यू इन क्लास एट एट डू नॉट फर्गेट टू कम टू द क्लास डे एट एट पी एम थैंक यू सो मच आई विल सी यू कीप रॉकिंग बाय एंड हैव अ नाइस डे